ए बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी. ओके, चार ऑप्शन दिया है, सो वी हैव टू कैलकुलेट विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो इफ बेसिक इज स्ट्रॉन्ग वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. ओके, इधर देखो, हमको पता है ये अर्थ है, कैपिटल मास एम है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल एम है. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, आर स्क्वायर है, ये पहला सिचुएशन है. ओके, बाद में देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, आई एम गोइंग टू टेक इट एट हाइट एच. इस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ ले गया, एच हाइट के ऊपर ले गया. ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक एच है, सो यहाँ से ओरिजिन से सेंटर से कितना होगा, यहाँ तक आर प्लस एच होगा. सो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, ये सरफेस है भाई, सरफेस. सो इधर कितना है, एट हाइट एच कितना होता है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर होता है एट हाइट एच. ओके, देन सॉल्व दिस वन, एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर प्लस एच स्क्वायर है, आर प्लस एच स्क्वायर है. ओके, आर प्लस एच, एच दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, हाफ ऑफ द रेडियस दिया है, सो आई एम गोइंग टू राइट हाफ. ठीक है भाई, क्वेश्चन में दिया है भाई. ओके, बाद में इसको सॉल्व करो. मैं इधर क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट और आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, जी एम एम अपॉन एल सी एम ले लो, टू होता है एंड इट विल बिकम थ्री आर होता है. सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम फोर आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी नाइन आर स्क्वायर अपॉन फोर, नाइन आर स्क्वायर अपॉन फोर, देन सॉल्व इट. सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इन टू फोर अपॉन नाइन होता है. सो इधर देखो, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, सरफेस का वैल्यू दिया है, कितना दिया है सरफेस का ऊपर, 72 न्यूटन दिया है. सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 72 फोर अपॉन नाइन, सो नाइन वन सा नाइन एट सा, सो एट इंटू फोर 32 न्यूटन. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से 32 न्यूटन, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर.